लोरमी में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि खुड़िया वन क्षेत्र के कराकारी डोंगरी बीड में वन प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके सैकड़ों यहां पर एकड़ जमीन पर सागौन के पेड़ लगाए गए थे, जिससे कंसरी के कुछ ग्रामवासियों ने सागौन पेड़ की कटाई करके वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर धान की फसल उगाई है। मामले को लेकर नाराज ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि चंद्रकांत जायसवाल के नेतृत्व में लोरमी पहुंचकर उन्हें विभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत कंसरी घर द्वारा कब्जा करे गए है, गाय गरुवल नहीं जान देते है ना, और चाय गरुवल चराएल जब जाते ना यादव मन तो उनला मारे के धमकी देते है ना, और पूरा मिली भगत है माँ आखर मन के वन विभाग वाले मन के एखर नाम से ना कमजोरी है, आवेदन दे चुके हैं। यादव मन परेशान हो गए, अपन जान ला जोखिम में डाल के थोड़े वर्दी चराएल जाही भाई वो पार का समय भी इसमें है और चक्का जाम का ही सूचना है। कार्रवाई अगर 10 तारीख से पहले कर देते हैं शासन प्रशासन जिम्मेदारी के साथ तो हम लोग चक्का जाम नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, अवैध कब्जे नहीं हटाएंगे तो अवश्य रूप से चक्का जाम होगा, 500 जानवरों के साथ होगा, पशुओं के साथ होगा। चरहा पारा मोहा पानी रामू नगर सारी स्थल दरवाजा के ग्रामीण आए हुए हैं और उनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे अतिक्रमण काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया है और हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके संबंध में अनुभागीय अधिकारी मैडम एसडीएम मैडम को उनके माध्यम से फॉरेस्ट को जानकारी दे दी गई है, कार्यवाही करने के लिए उनके द्वारा भी उनको बोला जा रहा है और शीघ्र ही आप जैसे 10 तारीख को बोल रहे हैं उसके पहले ही उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हटाने की कार्यवाही की जाएगी करके।